नमस्कार योगा फॉर वेट लॉस वज़न कम करने के लिए योग अभ्यास आपका फैट मक्खन की तरह पिघलने लगेगा अगर आपने यह योग अभ्यास डेली आधा घंटा कर लिया अब आप सीधे जमीन पर लेट जाइए धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे और पूरी तरह से एक सर्कल लेते हुए पैरों को गोल गोल घुमाएंगे आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो पांच बार क्लॉकवाइज़ और पांच बार एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में और घड़ी से विपरीत दिशा में आप कर सकते हैं आप दोनों पैरों को थोड़ा थोड़ा दूर करेंगे दोनों हाथों को थोड़ा सा अपने शरीर से दूर करेंगे हथेलियों का रुख आसमान की तरफ और गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे पैरों को फोल्ड करेंगे एक पैर को इस तरह से फोल्ड करके हाथ से पकड़ेंगे और दूसरे पैर को इस तरह से सर्कल करेंगे आप तीन बार या पांच बार कर सकते हैं तीन बार घड़ी की दिशा में तीन बार घड़ी से विपरीत दिशा में यह yeah. प्रक्रिया हम दूसरी पैर से भी दोहराएंगे सेम हमने जैसे सीधे पैर से किया था वैसे ही हमें उल्टे पैर से भी करना है तीन बार एंटी क्लॉक वाइज एंड देन क्लॉकवाइज आज मैं आपको जो यह योगाभ्यास करा रही हूँ यह है. बहुत ही उपयोगी हमारे पूरे शरीर के लिए इससे हमारे खासतौर पे यह जो अभी हम कर रहे हैं इससे हमारे जो पैर हैं हमारी थाए हैं हमारे काफ मसल्स हैं हमारा एंकल है हमारी पेल्विक एरिया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है हमारे जो पैल्विक मसल्स होते हैं वो स्ट्रोंग होते हैं इनर थाए में जो फैट होता है जिसकी वजह से जो फैटी लोग होते हैं जब वो चलते हैं तो उनकी थाइस आपस में टकराती हैं तो यह योग अभ्यास करने से वह फैट भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है अब गहरी लंबी सांस लेंगे छोड़ेंगे शरीर में जहाँ जहाँ तनाव हुआ है उसको महसूस करेंगे अब दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री तक और वापस नीचे लेकर आएंगे इसे हम पाँच से दस बार कर सकते हैं इससे आपके एब्डोमिन रीज़न में लोअर एब्डोमिन जो होता है उसमें जो हमारा फैट इकट्ठा हो जाता है वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा साथ ही महिलाओं को पीरियड के समय होने वाली तकलीफ़ों से भी यह राहत दिलाता है अब दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ेंगे और दोनों पैरों से एक साथ साइकिलिंग जैसे करते हैं उस तरह से करना है या जिस तरह से एक मछुआरा नाव को चलाते वक्त एक चप्पू को घुमाता है उसी तरह से हमें अपने पैरों को चलाना है अभी हमने दोनों पैरों से अभ्यास किया अब हम एक एक पैर से इस तरह से जैसे हम साइकिल चलाते हैं चलाना है जितनी देर आप इस अभ्यास को कर सकते हैं आप कर सकते हैं आप पाँच मिनट दोनों पैरों से और इस तरह से अलग अलग एक एक पैर से आप पाँच मिनट कर सकते हैं कुल मिलाकर अगर आप दस मिनट ही साइकिलिंग करते हैं तो आपके पैर के मसल्स जो हैं बहुत स्ट्रांग होंगे के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और फैट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा अब दोनों पैरों को धीरे धीरे इस तरह से ऊपर लेकर आएंगे पेट को दबाते हुए दोनों हाथों से होल्ड करेंगे और गर्दन को ऊपर की तरह उठाएंगे, हमारे चिन को हमारे घुटनों से छुलाएंगे। यह पवनमुक्त आसन होता है लेकिन हम इसे अभी एज अ विश्राम की तरह हम इस आसन को कर रहे हैं ताकि हमारे शरीर में जहाँ जहाँ खिंचाव हुआ है वह थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए अब दोनों पैरों को फिर से सीधे करेंगे एक दो मिनट के लिए सवासन में विश्राम करेंगे गहरी लंबी सांस लेंगे छोड़ेंगे अब दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ेंगे और हाथों को सीधा रखेंगे आपका चेहरा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा आपके पैर दूसरी तरफ जाएंगे इससे आपके जो कमर में जो साइड में फैट इकट्ठा हो जाता है वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा ख़ासतौर पे महिलाओं के लिए बहुत अच्छा योग अभ्यास है इससे कहते हैं ना कि एक कमर में एक कर्व होता है तो महिलाएं ज़्यादा सुंदर दिखती हैं तो यह योगाभ्यास उस सबके लिए बहुत अच्छा है सीधे हाथ से उल्... उल्टे पैर को छुएंगे यह पूरी प्रक्रिया आप दो से तीन मिनट करेंगे शरीर को थर्टी टू सिक्सटी सेकेंड के लिए आराम देंगे सवासन में गहरी लंबी सांस लेंगे छोड़ेंगे अब सीधे खड़े हो जाइए इस तरह से सामने की तरफ हाथ कर कर नीचे की तरफ बैठेंगे और फिर से सीधे खड़े होंगे इस प्रक्रिया को भी आप दो से तीन मिनट या पाँच मिनट तक कर सकते हैं अब आप अपने पैरों को थोड़ा सा फैला लीजिए और दोनों हाथों को जोड़ते हुए इस तरह से नीचे आएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे इससे हमारे जो इनर थाए हैं उसके अंदर जितना भी फैट जमा होता है वह धीरे धीरे कम होगा और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी खासतौर तो पे हमारे पैल्विक ज्वाइंट की चाहिए दोनों पैरों को इस तरह से फैला लीजिए अब धीरे धीरे नीचे की तरफ आने की कोशिश करेंगे आप जितना आ सकते हैं उतना आइए और वापस अपनी पोजीशन में जाइए अगर आप नीचे तक झुक पा रहे हैं अपना सर ज़मीन से छुला पा रहे हैं तो आप वह भी कर सकते हैं इससे आपका पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग होगा आपके पेट के जो मसल्स हैं बहुत ही मजबूत होंगे अब यह जो योग अभ्यास मैं आपको बताने जा रही हूँ इससे आपके सेम आपके कमर के जो साइड का फैट है वो धीरे धीरे कम होगा यह भी आप पाँच से दस मिनट कर सकते हैं अब थोड़ी देर के लिए सुखासन में बैठकर विश्राम करिए गहरी लंबी सांस लीजिए छोड़िए अब मैं जो योग अभ्यास बताने जा रही हूँ यह बहुत ही उपयोगी है महिलाओं के लिए खासतौर पे यह अभ्यास हमने जितनी भी हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं या हम गांव की तरफ जाते हैं तब उन्हें हम आसानी से करते हुए देखते हैं कि वो चक्की से आटा पीसती थी तो यह वही योगाभ्यास है चक्की संचालन इसमें आप अगर आप पीछे तक इस तरह से लेट कर जाकर वापस आ सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा व्यायाम है सर से लेके नीचे तक आपके पूरे शरीर को मजबूती प्रदान प्रदान करेगा अगर आप पूरा पीछे तक नहीं झुक सकते हैं तो आप इस तरह से बैठ कर भी कर सकते हैं तो आपकी जितनी आपके शरीर में क्षमता है आप उस हिसाब से ही आप योगाभ्यास करिए इस तरह से आप बैठ कर सेम जैसे हमने लेट कर किया है उसी तरह से आप बैठ कर भी चक्की चला सकते हैं घड़ी की दिशा में और घड़ी से विपरीत दिशा में दोनों दिशा में हम चलाएंगे अब थोड़ी देर विश्राम करेंगे दोनों पैरों को फैला लीजिए दोनों हाथों को फैला लीजिए गर्दन को पीछे की तरफ रखिए और गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे दोनों पैरों को इस तरह से वापस चिपका लीजिए अब गहरी लंबी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आएंगे और सर को घुटने से छुलाने की कोशिश करेंगे सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। इन्हल और एक्सहेल इसे हम पाँच से दस बार कर सकते हैं गहरी लंबी सांस लेंगे छोड़ेंगे अब दोनों हाथों को सामने की तरफ रखकर इस तरह से पीछे की तरफ लेकर जाएंगे इसे हम धीमे धीमे भी कर सकते हैं और स्पीड से भी कर सकते हैं गहरी लंबी सांस लेंगे छोड़ेंगे हमें यह ध्यान रखना है कि हम जब भी कोई योग अभ्यास करें तो उसके बीच में हम थर्टी टू सिक्सटी सेकेंड का गैप लेकर विश्राम करें अब हम सीधे खड़े हो जाएंगे दोनों हाथों को सांस भरते हुए पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेकर आएंगे इन्हेल एग्जिल इनहेल एग्जिल इसे भी हम 10 से 15 बार कर सकते हैं आज जो मैं आपको योगाभ्यास बता रही हूं यह हम पावर योगा के रूप में आजकल लोग जानते हैं तो ये पूरे शरीर के लिए आज मैंने आपको लेट कर बैठ कर खड़े होकर आज मैंने आपको सारे योगाभ्यास अभ्यास बता रही हूँ जिससे कि आपके शरीर का वज़न कम होगा गहरी लंबी सांस लेंगे छोड़ेंगे अब दोनों पैरों को इस तरह से फैला लेंगे राइट साइड जाएंगे और फिर लेफ्ट साइड जाएंगे इसे आप पांच से दस बार करेंगे यह सारे अभ्यास लगातार दस दिन तक करिए नमस्कार